मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन वजीर आजम ने साबिक गवर्नर जनरल डेविड जॉनस्टन को नया आजाद खसूसी नुमाइंदा नामजद कर दिया। डेविड जॉनस्टन इंतखाबात में गैर मुल्की मदाखलत की तहकीकात करेंगे। ट्रूडो का कहना था कि जॉनसन एतमाद को मजबूत बनाने के लिए गैर जानिबदाराना जायजा लेंगे। नए माली साल के बजट के लिए कैनेडियन आवाम की आसानी के लिए इकदाम किए हैं। कैनेडियन वजीर आजम का कहना था कि महंगाई को कम करने समेत अहम इकदाम किए हैं। नई मुलाजमतें पैदा करने के इकदाम भी शामिल करेंगे। टोरंटो पुलिस की जानिब से मुस्लिम खातून पर चाकू से हमले के वाक़े की तहकीकात। पुलिस ने मुलजिम की तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। पुलिस का कहना था कि खातून को मुसलमान होने की वजह से निशाना बनाया गया। अमेरिका के स्कूल में बुलेट प्रूफ कमरे बना दिए गए। बुलेट प्रूफ कमरों में हसास और महंगे कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। व्हाइट बोर्ड जैसी दीवार को 10 सेकेंड में हिफाजती दीवार में तब्दील किया जा सकता है। लीबिया की साइट से 2.5 टन यूरेनियम गायब है। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी की जानिब से कहा गया है कि साबका हुकूमत ने यूरेनियम के 10 ड्रम डिक्लेयर किए थे जो अब वहां नहीं हैं। जौहरी मुकाम से मुतालिक कोई खबर देना खतरे से खाली नहीं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Shawarma, now serving from 4 locations. कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने साबिक गवर्नर जनरल डेविड जॉनस्टन को नया आजाद खसूसी नुमाइंदा नामजद किया है जो गैर मुल्की मदाखलत का जायजा लेंगे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने साबिक गवर्नर जनरल डेविड जॉनस्टन को नया आजाद खसूसी नुमाइंदा नामजद किया है जो गैर मुल्की मदाखलत का जायजा लेंगे। कैनेडा की जमहूरियत की सालमियत की हिफाजत में मदद करने के जिम्मेदार ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में तमाम जमातों के साथ मशावरत के बाद जॉनस्टन की तकरीरी के अपने इरादे का ऐलान किया है। जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि कैनेडियनों को हमारे इंतखाबी निज़ाम और हमारी जमहूरियत में एतमाद रखने की ज़रूरत है। आज़ाद खसूसी नुमाइंदे के तौर पर डेविड जॉनस्टन दयानतदारी और तजुर्बे और महारतों की दौलत लाते हैं और मुझे यकीन है कि वो तमाम ज़रूरी इकदाम को यकीनी बनाने में हमारी जमहूरियत को महफूज रखने
और उसे बरकरार रखने और उस पर एतमाद को मजबूत बनाने के लिए गैर जानबदाराना जायजा लेंगे। वजीर आजम हाउस की जानिब से कहा गया है कि इस नए किरदार में मिस्टर जॉनस्टन के पास पिछले दो विफाकी आम इंतखाबात में गैर मुल्की मदाखलत पर नजर रखने और हमारी जमहूरियत को मजीद तहफ़ देने और उस पर कैनेडियंस के एतमाद को बरकरार रखने के बारे में माहरीन की सिफारिशात देने का वसी मैंडेट होगा। हम आने वाले दिनों में मिस्टर जॉनस्टन के साथ मिलकर उनके मैंडेट को हतमी शक्ल देने के लिए काम करेंगे और इसे आम कर दिया जाएगा। अवामी इंक्वायरी के बारे में कैनेडियनों और माहरीन के मिले जुले ख्यालात को नोट करते हुए ट्रूडो ने इस अजम का इजहार किया है कि लिबरल्स इस बात पर मुंतखब शख्स की रहनुमाई की पाबंदी करेंगे कि आया इंक्वायरी की जरूरत है और अगर ऐसा है तो इसका मैंडेट और दायरा कार क्या होना चाहिए। ये पोजीशन उन इकदाम के एक मजमू का हिस्सा है जो ट्रूडो ने पिछली दो विफाकी मुहिमों के दौरान चीन की तरफ से मुबैना इंतखाबी मदाखलत पर खदशात को दूर करने की कोशिश में शुरू किए हैं। ताहम फेडरल लिबरल हुकूमत के इस मामले पर अब तक के इकदाम से हिजब इख्तलाफ की जमातों को मुतमईन नहीं किया गया है जो अब भी तमाम जमातों के इनपुट के साथ इंक्वायरी का मुतालबा करना चाहते हैं। कम अज कम अपोजिशन वजीर आजम पर जोर दे रही थी कि वो पार्लियामेंट में दीगर जमातों के साथ मिलकर इस बात पर मुत्तफिक हो जाए कि इस नए किरदार को संभालने वाले मुमताज कैनेडियन कौन होना चाहिए। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि 2023 के बजट में ऐसे इकदाम किए हैं जिनसे कैनेडियन शहरियों की बराह रास्त मदद होगी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि 2023 के बजट में ऐसे इकदाम किए हैं जिनसे कैनेडियन शहरियों की बराह रास्त मदद होगी। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के मुताबिक 2023 के विफाकी बजट में काबिल इस्तेआत के नए इकदाम शामिल होंगे जिनका मकसद कैनेडियंस की जिंदगी गुजारने के जारी बहरान से निमटने में मदद करना है। ट्रूडो ने न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे बजट में हम ऐसे इकदाम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं जो कैनेडियंस को बराह रास्त मदद फराहम करेंगे और महंगाई कम करने के इर्द गिर्द इकदाम करेंगे। वजीर आजम ने कहा कि आने वाला बजट इस बात का खाका पेश करेगा कि किस तरह वफाकी लिबरल इस तरह से आगे बढ़ेंगे जो कैनेडियंस को दरपेश चैलेंजेस के लिए जवाबदेह होंगे। ट्रूडो ने यह भी कहा कि 2023 के बजट में सूबों और खितों के साथ हाल ही में तयशुदा मल्टी बिलियन डॉलर हेल्थ केयर फंडिंग के मुहैदे शामिल होंगे। ऐसे इकदाम भी शामिल होंगे जो पूरे मुल्क में कैनेडियंस के लिए जबरदस्त मुलाजमीन पैदा करते रहेंगे। वजीर खजाना फ्रीलैंड ने इशारा दिया है कि कैनेडियन मईशत की हालत के बारे में उसकी आने वाले बजट में साफ तवानाई जिंदगी को मजीद सस्ती बनाने और मुलाजमत में इजाफे पर तवज्जो मरकूज रखी जाएगी जबकि माली लिहाज से मोहतात रहेंगे। टोरंटो पुलिस मुस्लिम खातून पर चाकू से हमले के वाकये की तहकीकात कर रही है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो पुलिस मुस्लिम खातून पर चाकू से हमले के वाकये की तहकीकात कर रही है। पुलिस अब एक ऐसे शख्स के मामले की तहकीकात कर रही है जिसने गुज़िश्ता हफ्ते टोरंटो की सबवे ट्रेन में एक मुस्लिम खातून पर मुबैना तौर पर चाकू से हमला किया था जिसे मुश्तबा नफरत पर मबनी हमला कहा गया था। एक न्यूज़ रिलीज में पुलिस ने कहा कि ये वाकया जो 9 मार्च को शाम 5 बजे के करीब पेश आया अफसरान की जानिब से सर्विस के खसूसी नफरत अंगेज जराइम के यूनिट से मशवरा करने के बाद मुश्तबा नफरत अंगेज जुर्म समझा जा रहा है। इब्तदाई तौर पर पुलिस ने इसे मुमकिन नफरत अंगेज जुर्म नहीं समझा था। नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम्स एक न्यूज़ रिलीज में पुलिस पर जोर दिया था कि वो इस वाकये को मुश्तबा नफरत अंगेज जुर्म पर गौर करे। पुलिस का कहना है कि तफ्तीशकारों का ख्याल है कि मुतासिरा खातून को उसके मुस्लिम अकीदे की वजह से निशाना बनाया गया। पुलिस के मुताबिक खातून लाइन 1 पर वॉन मेट्रोपॉलिटन स्टेशन से जुनूब की तरफ जा रही थी जब एक शख्स ने उससे राब्ता किया। पुलिस ने बताया कि उस शख्स ने उससे बात करना शुरू की और फिर चाकू निकाल लिया। खातून विल्सन स्टेशन पर सबवे ट्रेन से भागी जहां पुलिस को बुलाया गया। NCCM ने कहा कि खातून जिसने हिजाब पहन रखा था कई सबवे कारों के पार भागी और रुकी जब एक राहगीर ने ट्रेन का इमरजेंसी अलार्म बजाकर उसकी मदद की। तंजीम ने कहा कि उस शख्स ने मुतासिरा से मुसलमानों और इस्लाम के बारे में कई सवालात किए और फर्जी सवालात किए कि अगर कोई उसके सर पर मारे और उससे फरार हो जाए तो क्या करेगी वो। इस शख्स ने अपने बैग से एक बड़ा चाकू निकालने से पहले कहा, आप जानती हैं कि हम आप जैसे लोगों के साथ क्या करते हैं। पुलिस के मुताबिक मुश्तबा को मुसल्ला और खतरनाक समझा जाता है। पुलिस ने मुश्तबा शख्स की तस्वीर जारी की है जिसमें 50 से 60 साल की उम्र के शख्स के तौर पर बयान किया गया है जिसकी उम्र पतली और लंबी सफेद दाढ़ी है। उसने तहदार लिबास पहने हुए थे जिसमें सियाह हुड वाली स्वेटशर्ट, एक सियाह बेसबॉल की टोपी, एक सियाह चमड़े की जैकेट और सब्ज फौजी तर्ज की पतलून शामिल थी। उसके पास सब्ज रंग का बैग भी था। अमरीका के तालीमी इदारों में फायरिंग के मुतअद्दिद वाक़यात ने अमरीकियों समेत कई ममालिक को तशवीश में मुब्तला कर रखा था।
تاہم اب ریاست علامہ میں ایک اسکول میں بلٹ پروف کمرے بنا دیے گئے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی ریاست الاباما کے ایک اسکول کے کمروں کو بلٹ پروف کر دیا گیا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا تجربہ ہے جس کا مقصد کسی بھی ممکنہ حملے سے بچوں کی جانوں کو بچانا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ابتدائی طور پر اسکول کے 2 کلاس رومز میں $60,000 خرچ کر کے بلٹ پروف کمرے بنائے گئے ہیں، جس میں مانیٹرنگ کے لیے حساس اور مہنگے کیمرے بھی شامل ہیں۔ کلاس کی دیواروں کو اس طرح بلٹ پروف کیا گیا ہے کہ معمول کے حالات میں وہ وائٹ بورڈ کی طرح لگتی ہیں، لیکن حملے کی صورت میں صرف 10 سیکنڈ میں حفاظتی دیوار میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بلٹ پروف کمرے کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ عام حالات میں یہ دیوار کے ساتھ لگا وائٹ بورڈ دکھائی دے گا، تاہم ہنگامی یا خراب موسمی حالات کے دوران یہ 10 سیکنڈز کے اندر بہت ہی آسانی کے ساتھ بلٹ پروف اور حفاظتی کمرے میں تبدیل ہو جائے گا۔ امریکہ میں اسکولوں میں فائرنگ کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ 5 برسوں میں ایسے واقعات میں 100 سے زائد طلبہ اور اساتذہ ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق فروری 2018 میں فلوریڈا کے ہائی اسکول میں فائرنگ کے واقعے کے بعد اس طرح کے حفاظتی اقدامات کی گونج سنائی دی تھی۔ 5 سال قبل ہی فروری 2018 میں ریاست فلوریڈا کے اسکول میں 19 سالہ سابق طالب علم نے بے دخل کیے جانے پر غصے میں اندھا دھند فائرنگ کر دی تھی، جس میں 17 طلبہ اور اساتذہ ہلاک ہو گئے تھے۔ واضح رہے کہ امریکہ میں کئی فائرنگ کے واقعات میں طلبہ اور اساتذہ سمیت متعدد لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ جنگ زدہ ملک لیبیا میں ایک مقام پر ذخیرہ شدہ تقریباً 2.5 ٹن قدرتی یورینیم غائب ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ جنگ زدہ ملک لیبیا میں ایک مقام پر ذخیرہ شدہ تقریباً 2.5 ٹن قدرتی یورینیم غائب ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی نے کہا ہے کہ لیبیا کی سائٹ سے 2.5 ٹن یورینیم غائب ہے۔ لیبیا سائٹ کے انسپیکشن کے بعد رکن ممالک کو اپنے بیان میں عالمی جوہری توانائی ایجنسی نے کہا کہ سابقہ حکومت نے یورینیم کے 10 ٹرم ڈکلیئر کیے تھے جو اب وہاں نہیں ہے۔ جوہری توانائی ایجنسی نے اپنے بیان میں کہا کہ جوہری مقام سے متعلق کوئی خبر دینا خطرے سے خالی نہیں، وہ یورینیم کی غیر موجودگی کی تحقیق کر رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق قدرتی یورینیم کو فوری طور پر توانائی کی پیداوار یا بم کے ایندھن کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ افزودگی کے عمل کے لیے عام طور پر دھات کو گیس میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد مطلوبہ سطح تک پہنچانے کے لیے اسے مخصوص مشن میں گھمایا جاتا ہے۔ خبر رساں اداروں کا کہنا ہے کہ جوہری توانائی ایجنسی مذکورہ مقام سے یورینیم ہٹائے جانے کی مزید تحقیقات کرے گی۔ ایجنسی نے اپنے بیان میں کہا کہ جوہری مواد سے متعلق معلومات نہ ہونا ریڈیالوجیکل رسک اور جوہری سیکیورٹی خدشات کا باعث بن سکتا ہے، تاہم مذکورہ مقام تک پہنچنے کے لیے پیچیدہ لاجسٹکس کی ضرورت ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ قدرتی یورینیم اگر کسی گروپ کے ذریعے تکنیکی ذرائع اور وسائل سے حاصل کیا جائے تو 1 ٹن یورینیم کو وقت کے ساتھ ساتھ 5.6 کلوگرام ہتھیاروں کے درجے کے مواد تک ریفائن کیا جا سکتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے ایٹمی عدم پھیلاؤ کے ماہرین کے لیے اس غائب شدہ دھات کی تلاش ایک اہم مسئلہ ہے۔ خبر رساں اداروں کے مطابق لیبیا کی سائٹ پر یہ انسپیکشن گزشتہ سال ہونی تھی، لیکن خطے کی خراب صورتحال کی وجہ سے اسے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ 2003 میں لیبیا کے معمر قذافی نے جوہری اسلحہ پروگرام ترک کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔